सोलन के उपमंडल अर्की की नगर पंचायत द्वारा बेसहारा और लाबारिस पशुओं को सहारे के नाम पर गौशतन तो खोल दिए गए हैं, लेकिन पशुओं को इसमें रखने के लिए कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण क्षेत्र के बेसहारा पशु सड़कों सहित मुख्य बाजारों में घूमते रहते हैं। याद रहे कि अर्की में गौसदन का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2017 को हिमाचल प्रदेश योजना विकास एवं 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के सदस्य सतीश कश्यप द्वारा किया गया था। इस गौशाला भवन को बनाने में लगभग 13 लाख रुपए खर्च आया था, जिसमें 40 से 50 गायों व बैलों को रखा जाना था और इसके रखरखाव के लिए समिति को गठित करने की बात भी उस समय की गई थी, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी आज भी इस गौशाला में ताला लटका हुआ है, जिसके कारण बेसहारा पशु सड़कों के किनारे या बाजार में घूमते हुए दिखाई देते हैं। कई बार तो सड़कों के किनारे झुंड में खड़े रहते हैं, तो कभी गाड़ी द्वारा इन्हें टक्कर मारकर सड़क किनारे तड़फता मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेसहारा पशुओं को अब तक इनका घर नहीं मिल पाया है, जिससे इन पशुओं को कई बार बाजारों में लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ रहा है। जब इस बारे में एसडीएम अर्की छवि नांटा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, परंतु अब जल्द ही गौसदन में पशुओं की देखरेख के लिए किसी व्यक्ति को रखा जाएगा और जितने भी बेसहारा पशु हैं उन सभी को गौसदन में आसरा दिया जाएगा। अर्की की सड़कों पर बेसहारा पशु का जो घूमने का मामला है, ये अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है। इस बारे में हम नगर पंचायत की तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गौशाला का निर्माण पहले ही इन बेसहारा पशुओं के लिए किया गया है नगर पंचायत की तरफ से, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें किसी व्यक्ति का प्रबंध अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे ही ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है तो इन बेसहारा पशुओं को हम उस गौशाला में ट्रांसफ़र कर देंगे।